कर्नाटक का सियासी ड्रामा मारपीट तक जा पहुंचा है। खबर ये मिल रही है कि कांग्रेस के विधायक आनंद सिंह को बेंगलुरु के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप ये है कि जिस ईगल्टन रिजॉर्ट में कर्नाटक के विधायक ठहरे हुए थे, वहां आनंद सिंह और जीएन गणेश नाम के दो विधायकों में झड़प हुई, जिसमें आनंद सिंह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस खबर ने बीजेपी को कांग्रेस पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर कैसे विधायकों को बंधक बनाने वाली कांग्रेस अपने विधायक आनंद सिंह पर हमला करवा रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस कांग्रेसी विधायक ने विधायक आनंद सिंह पर हमला किया, उसे फौरन सस्पेंड किया जाए। लेकिन कांग्रेस विधायकों में मारपीट की खबरों को ही खारिज किया गया है, यानी कि कांग्रेस ने इन तमाम खबरों को खारिज कर दिया। डिप्टी सीएम परमेश्वरा ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें पता ही नहीं कि कौन बीमार है, जबकि मंत्री डी के शिवकुमार का कहना है कि दोनों विधायकों में मारपीट नहीं हुई, दोनों रिजॉर्ट में साथ साथ रह रहे हैं। वन ऑफ आवर कॉलीग इज नॉट वेल, इफ इट इज ट्रू नेचुरली समबडी वुड हैव गॉन टू सी हिम, आई डोंट नो व्हाई, व्हाई इज नॉट वेल, आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन सर, आई डोंट नो ओनली योर, इट इज इम्पॉसिबल, देयर इज नो फाइट, यू सॉ देम ऑल ऑफ देम कमिंग टुगेदर, गोइंग टुगेदर, इट इज ऑल अ फेक न्यूज, नथिंग इज ट्रू, देयर इज नो फाइट बिटवीन एवरीवन, all of them, the entire Congress party is united. I have confidence that even the could not attend the CLP also will come back to the proper Congress fold. Sir, where are the Anand Singh and Ganesh now? They are there in the rooms. जयपाल शर्मा बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। जयपाल, भले ही कांग्रेस ये कह रही हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन खबरें कुछ और ही हैं और हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस को इस बात को तो का एहसास हो चुका है कि उसके किले में सेंध लग चुकी है। उसके चार विधायक सीएलपी में हाजिर नहीं हुए थे, दो ने स्पष्टीकरण दिया था, दो ने नहीं दिया था। यही कारण था कि वो अपने तमाम विधायकों को लेकर के ईगल्टन रिसोर्ट चले गए थे। लेकिन इस तरह की घटना जब सामने में आती है तो ये दर्शाती है कि पार्टी के अंदर खुद कितनी ज़्यादा अविश्वास की स्थिति है। एक विधायक दूसरे विधायक पर विश्वास नहीं कर पाता, हर एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। और अब इस पूरे मामले के ऊपर में, हालांकि आनंद सिंह अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका वहाँ इलाज चल रहा है, इस पूरे मामले के ऊपर में अब कांग्रेस पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये बात उभर के सामने में आ गई तो पार्टी बिखर सकती है। और यही कारण है कि अब वो इस पूरे मामले के ऊपर में पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ये बताया जा रहा है कि वहां पर मारपीट जैसी कोई घटना हुई ही नहीं, दरअसल उनको सीने में दर्द की शिकायत थी और इसीलिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अभी से थोड़ी देर पहले जो थाना क्षेत्र के जो प्रभारी हैं वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, जाहिर तौर पे अभी वहां पर वो उनका बयान दर्ज करेंगे और इस पूरे मामले को ऊपर की एक तरह से लीपापोती की जाएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पार्टी के अंदर खुद ही बहुत ही अविश्वसनीयता की स्थिति है, लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं और ऐसे में ये कह पा रहे हैं कि गुटबाजी अगर कह दिया जाए तो गलत भी नहीं होगा, ये लोग 2019 का चुनाव लड़ पाएंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे अपडेट हम लेते रहेंगे।